प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में एक बार फिर से स्मार्टफोन और सिम कार्ड मिलने की आपको सूचना मिली है और इस पूरे मामले के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक राष्ट्रदीप ने हाई सिक्योरिटी जेल का निरीक्षण किया था और इसी दौरान बैरक नंबर 3 में एक स्मार्टफोन, सिम और साथ ही मोबाइल का चार्जर भी बरामद हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और वही निरीक्षण के दौरान जेल के सारे सीसीटीवी कैमरे और जैमर खराब पड़े मिले। इसके चलते पुलिस अधीक्षक ने जेल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। कल एक सरप्राइज विजिट की थी हाई सिक्योरिटी जेल की। हाई सिक्योरिटी जेल की निरीक्षण के दौरान ही पाया गया कि जो जितने भी मुख्य स्थानों पर लगे हुए जो कैमरे थे, सीसीटीवी कैमरे, वो ख़राब थे और जैमर भी, तो वो भी ख़राब था। और हमें विभिन्न बैरक की जो हमने चेकिंग की, उस दौरान एक बैरक थी वार्ड नंबर 3 की, 5 नंबर की, उसमें एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन भी मिला, चार्जर भी मिला। और काफ़ी जो है हमने सर्च किया तो मेरे ख्याल से ये जैन मैनुअल के ख़िलाफ़ है और काफ़ी अच्छी मॉनिटरिंग की और ज़रूरत है ताकि हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा और अधिक